मेक्सिको सिटी से 55 माइल्स वेस्ट में मेक्सिको का सबसे मजबूत और मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला प्रिजन मौजूद है, जिसे अल्टीप्लानो के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ कंक्रीट की दीवार और कंटीले तारों की फेंस से घिरी ये जेल इतनी मजबूत है कि इसकी सिक्योरिटी के लिए जहां हर वक्त हजारों गार्ड्स मौजूद रहते हैं, तो वहीं सेल्स में सीसीटीवी कैमरा से कैदियों पर 2400 घंटे नजर रखी जाती है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इस प्रिजन के आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां मोबाइल नेटवर्क को भी बंद किया हुआ है। इतनी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये प्रिजन अनब्रेकेबल बना हुआ था, जहां से एक भी कैदी कभी भी नहीं भाग पाया था। इसी रिकॉर्ड और इसकी अल्टीमेट सिक्योरिटी की वजह से साल 2014 में इस जेल में एक कैदी को लाया जाता है। ये कैदी देखने में यूं तो एक मामूली सा इंसान दिखता था, लेकिन उसका नाम उसकी असली सच्चाई को बयान करता था। एल चैपो नाम से मशहूर ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक था। वो इससे पहले भी 2001 में पुएंटे ग्रांडे नाम के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका था, जिसके बाद वो 13 सालों तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका था। ड्रग्स की दुनिया का ये गॉडफादर कहीं इस जेल से भी सबको चकमा देकर फरार ना हो जाए, इसलिए उसे मेक्सिको की इस इम्पॉसिबल टू ब्रेक प्रिजन अल्टीप्लानो में और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ रखा गया। मेक्सिको की सरकार अब ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसके देश का सबसे बड़ा मुजरिम देश की सबसे मजबूत सलाखों के पीछे 2400 घंटे सीसीटीवी की नजरों में है। लेकिन केवल एक साल बाद ही सरकार का ये भ्रम और अल्टीप्लानो की अल्ट्रा मैक्स सिक्योरिटी सब धरा का धरा रह गया। मेक्सिको की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी, वहां से किसी के ना भागने का रिकॉर्ड खाक में मिल चुका था। कैमरों के जरिए निगरानी रखने वाले गार्ड्स की नजरों के आगे से एल चैपो टहलते अचानक अपनी सेल से गायब हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एक बार फिर जेल तोड़कर फरार हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात है कि एल चैपो आखिर इतनी पुख्ता सिक्योरिटी के बीच इस इनएस्केपेबल प्रिजन से कैसे भाग निकला? आखिर क्यों मेक्सिको से ज्यादा अमेरिका उसे पकड़ने के लिए बेताब था? आखिर क्या है इस एल चैपो की पूरी कहानी? The man with the towel over his head is believed to be El Chapo, being led by Mexican authorities to an airplane bound for Mexico City. This is the moment Joaquin El Chapo Guzman makes the Mexican government look ridiculous. The $4 million reward now being offered for El Chapo, and this morning... But there does remain a central question at this hour after multiple escapes. Will he now be brought here to the US? El Chapo का जन्म 1957 में मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट के लाट्यूना नाम के ग्रामीण इलाके में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था, जहां थोड़ी बहुत इनकम का जरिया फार्मिंग ही था। हालांकि ये भी माना जाता है कि उसके पिता अफीम की खेती भी किया करते थे। खेती से होने वाली ज्यादातर कमाई को उसके पिता नशे और अय्याशी में उड़ा देते और घर आकर सभी के साथ मारपीट किया करते। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से उसके पिता घर चला पाने में सक्षम नहीं थे। सात भाई बहनों में एल चैपो सबसे बड़ा था, इसलिए उसने तीसरी क्लास के बाद ही स्कूल की पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दिया। उसने घर चलाने के लिए कभी संतरे बेचे तो कभी कोई और छोटा मोटा काम किया। बचपन से ही उसके अंदर एक बात घर कर गई थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। इसी अमीर बनने की ख्वाहिश ने उसको जल्द ही क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। केवल 15 साल की उम्र में ही उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर मैरिजुआना की खेती करनी शुरू कर दी। इस काम से होने वाली कमाई ने उसके अमीर बनने के सपने को पंख दे दिए। उसने फैसला किया कि अगर अमीर इस टेढ़े रास्ते पर चलकर बना जा सकता है तो यही सही, लेकिन एक ग्रामीण इलाके में रहकर आखिर कितना आगे बढ़ा जा सकता था? इसलिए क्राइम की दुनिया में अपना नाम और पैसा बनाने के लिए उसने अपना घर और गाँव पीछे छोड़ने का फैसला किया। घर और गांव छोड़ते हुए उसने अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम वाकिन आर्चिवाल्डो गोजमैन लोएरा भी पीछे छोड़ दिया और अपना नाम एल चैपो रख लिया। वो एक छोटे कद का इंसान था, इसलिए लोकल लैंग्वेज में शुरू से ही उसे सब एल चैपो बुलाते थे। लेकिन किसे पता था कि ये नाम आगे चलकर इतिहास के पन्नों में गुनाह की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। एल चैपो ने अपना होम टाउन छोड़ने के बाद अपने करियर की शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर की। वो चंद पैसों के लिए किसी को भी शूट कर देता। उसके क्रूर स्वभाव को देखते हुए लेट 1970s में ड्रग माफिया हेक्टर एलगुएरो पाल्मा ने उसे ग्वादालहारा कार्टेल से जोड़ लिया, जो उस समय मेक्सिको का लीडिंग क्राइम ग्रुप था। यहाँ एल चैपो को सिनालोआ रीजन और US-Mexico बॉर्डर की तरफ ड्रग डिलीवरीज पर कड़ी निगरानी रखने का काम दिया गया।
वो अपने काम के प्रति इतना कठोर था कि शिपमेंट में जरा सी भी देरी होने पर वो ग्रुप के खास एम्प्लॉइज तक को गोली मार देता। एम्बिशियस और रूथलेस, एल चैपो ने इस ग्रुप में बहुत तेजी से अपना रुतबा कायम कर लिया। उसके चलते ड्रग्स की डिलीवरीज तेज होने लगी, ग्रुप का बिजनेस और भी तेजी से ग्रो करने लगा। उसकी काबिलियत से खुश होकर 1980s में उसे ग्वादालहारा कार्टेल के गॉडफादर मिगेल एंजल फेलिक्स गलार्डो से मिलवाया गया। गलार्डो ने उसे डायरेक्टली अपने साथ काम पर रखते हुए सभी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने का इंचार्ज बना दिया। इस तरह एल चैपो ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने लगा। ग्वादालहारा कार्टेल में सब कुछ सही चल रहा था और उनका ये इलीगल बिजनेस मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका में भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन 1989 में इस ड्रग माफिया संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस साल कार्टेल के हेड फेलिक्स गलार्डो को ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA के एक एजेंट के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसका कार्टेल बिखर कर कई हिस्सों में डिवाइड होने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में कई और तस्करों के साथ मिलकर अपना खुद का सिनालोआ कार्टेल बना लिया। वो तब तक ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी बारीकियों को जान चुका था, इसलिए उसे अपना कारोबार जमाने में ज्यादा परेशानी नहीं आई। आने वाले सालों में जहां बाकी के कार्टेल गवर्नमेंट की बढ़ती पाबंदियों के चलते ड्रग्स की सप्लाई करने में परेशानियों से जूझ रहे थे, तो वही एल चैपो ड्रग्स डिलीवरी के नए तरीके का इजाद कर रहा था। वो ड्रग्स को कभी फायर एक्सटिंग्विशर में डालकर तो कभी उन्हें मिर्ची पाउडर की कैंस में भरकर स्मगल करता। इस तरह वो हर समय अथॉरिटीज की नजरों से बच निकलता। इसके अलावा उसने ट्रांसपोर्टेशन का एक अनोखा जरिया इजाद किया। उसने मेक्सिको और US बॉर्डर के आसपास बहुत सारी एडवांस अंडरग्राउंड टनल्स बनवाए जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन टनल्स में वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई के लिए व्हीकल्स का भरपूर इंतजाम था। लगभग सभी माफिया ड्रग्स स्मगल करने के लिए या तो रोड का इस्तेमाल करते या प्लेन्स का या फिर समुद्र के रास्ते बोट्स का। पर क्योंकि इन रूट्स पर मेक्सिको और US अथॉरिटीज की सख्त निगरानी रहती थी, इसलिए ज्यादातर कार्टेल पकड़े जाते। लेकिन एल चैपो ज्यादातर सप्लाई टनल्स के थ्रू करता, जिस कारण वो सभी की नजरों से दूर था। इस तरह दिन पर दिन उसका धंधा बड़ा होने लगा और वो अपने नेटवर्क के जरिए मल्टी टन कोकेन को कोलंबिया और मेक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में भेजने लगा। उसका कार्टेल कोकेन के अलावा मेथमफेटामाइन, हेरोइन, एक्सटेसी और मैरिजुआना के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल था। कुछ ही वक्त में सिनालोआ कार्टेल का नेटवर्क 5 कॉन्टिनेंट्स और करीब 50 कंट्रीज में फैल गया और ये दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एल चैपो की किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। उसका कारोबार आसमान छू रहा था। जैसे जैसे उसकी वेल्थ और उसका कार्टेल आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो गवर्नमेंट की नजरों में भी आने लगा था। उसकी ज्यादातर कमाई अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग करके होती थी, इसलिए वो मेक्सिकन गवर्नमेंट के साथ साथ US गवर्नमेंट की क्रिमिनल लिस्ट में भी सबसे ऊपर आ चुका था। एक बड़ा नाम बनने से वो गवर्नमेंट्स के अलावा मेक्सिको के अन्य ड्रग माफिया गुटों के निशानों पर भी था। उसके राइवल्स उसको हटाकर अपना धंधा जमाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में मई 1993 में एल चैपो को मारने के लिए उसके राइवल टीवाना कार्टेल ने उस पर अटैक कर दिया, जो इससे पहले उसके कई मेंबर्स को मार चुका था। इस आपसी झड़प को ग्वादालहारा के एयरपोर्ट पर अंजाम दिया गया, जहां एल चैपो को निशाना बनाते हुए कई फायर किए गए। इस फायरिंग में वो तो किसी तरह बच निकला, लेकिन इस दौरान 6 लोगों समेत एक पादरी हुआन जीसस पोसाडिस ओकाम्पा की मौके पर ही मौत हो गई। एक हाई प्रोफाइल रिलीजियस फिगर की डेथ से पब्लिक समेत सरकार भी काफी गुस्से में थी, जिसके चलते इस मामले में तेजी से एक्शन लिया गया। फायरिंग में इन्वॉल्व्ड सभी के फोटोज मीडिया में पब्लिश करके उनके नाम के वारंट जारी कर दिए गए। इनमें एक फोटो हुआ कि नाचिवाल्डो गजमैन नाम से एल चैपो का भी था, जो अब आम पब्लिक के बीच भी मशहूर हो चुका था। वो पुलिस से बचने की कोशिश में जगह बदल कर रहने लगा। वो सबसे पहले टोनाला जॉलिस को भागा, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो वहां से निकलकर मेक्सिको सिटी के एक होटल में छिपकर रहने लगा। उसने वहां से अपने एक एसोसिएट के हाथों $200 मिलियन अपने परिवार को भिजवाए और करीब इतना ही अमाउंट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराया, ताकि उसकी एब्सेंस में सिनालोआ कार्टेल बराबर चलता रहे। इसके बाद वो अपना फेक पासपोर्ट बनवाकर ग्वाटेमाला में शिफ्ट हो गया, जहां छिपे रहने के लिए उसने ग्वाटेमाला के एक मिलिट्री ऑफिसर को करीब $1.2 मिलियन की रिश्वत दी। लेकिन उसके सारे इंतजाम रखे रह गए और इसी मिलिट्री ऑफिसर की लीड पर 9 जून 1993 को मालन आर्मी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे वहां से मेक्सिको लाकर ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी और कॉन्स्पिरेसी के जुल्म में पुएंटे ग्रांडे नाम के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में 20 साल की सजा के लिए भेज दिया गया।
इस तरह एल चैपो जेल की सलाखों के पीछे जरूर आ गया था, लेकिन उसकी जिंदगी और दिनचर्या में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। जहां उसके लिए जेल के अंदर बढ़िया खाने पीने, खेलने, पार्टी करने, टीवी देखने और यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स के आने तक का पूरा इंतजाम था, तो वही बाहर उसका ड्रग्स का कारोबार बिना किसी रुकावट के बराबर चल रहा था। उसने पैसे के दम पर दर्जनों गार्ड्स और जेल ऑफिशियल्स को खरीद लिया था। मोटी रिश्वत देकर उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस मीटिंग्स का पूरा बंदोबस्त करके अपने ग्रोइंग ड्रग एम्पायर को ऑपरेट करना जारी रखा। उसके लिए सोने पर सुहागा तब हुआ जब उस जेल का डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी डमासो लोपेज न्यूनेज नाम का एक करप्ट ऑफिसर बना। एल चैपो उसकी हर एक डिमांड पूरी करता और उसे सूटकेस भर भर के पैसे देता। कैश हो, गाड़ी हो, बंगला हो या फिर कोई और सुविधा, एल चैपो उसे सब कुछ मुहैया करवाता। इस तरह एल चैपो और डमासो की काफी गहरी दोस्ती हो गई, जिसके चलते एल चैपो कैद में रहकर भी आजाद और आराम की जिंदगी जी रहा था। उसकी जेल के अंदर की जिंदगी साल 2000 तक यूं ही मजे में चलती रही, लेकिन इसके बाद उसकी सुविधाओं और कंफर्ट पर खतरा मंडराने लगा। जेल में बढ़ते करप्शन के कारण सरकार ने गार्ड्स और ऑफिशियल्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 2000 के अंत में एल चैपो के दोस्त डमासो को डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। वो इस झटके से संभला भी नहीं था कि कुछ दिन बाद 18 जनवरी 2001 को मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अब मेक्सिको अमेरिका को एल चैपो जैसे प्रिजनर्स को सौंप सकता था, जिनकी अमेरिका कई सालों से मांग कर रहा था। दरअसल मेक्सिको दशकों से ड्रग्स के धंधे का अड्डा बना रहा है। अमेरिका के मेक्सिको से बॉर्डर्स मिलने के कारण स्मगलर्स द्वारा वहां धड़ल्ले से ड्रग्स की सप्लाई होती रही है। अमेरिका के अंदर लगभग 90% ड्रग केवल मेक्सिको से ही स्मगल होता है, जिसे रोकने के लिए अमरीकी सरकार हर साल बिलियन डॉलर्स खर्च करती है। जब से एल चैपो ने इस कारोबार में कदम रखा था, तब से वो इस पूरे कारोबार का मैक्सिमम शेयर हासिल कर चुका था। उसके राज में ये कहावत आम हो गई थी कि मेक्सिको के बाहर कोई भी ड्रग्स एल चैपो के इशारे के बिना नहीं जा सकता। उसकी यही पॉपुलैरिटी उसकी दुश्मन बन गई थी। अमेरिका उसे अपने यहाँ ड्रग्स स्मगल कर अमेरिकन यूथ को बिगाड़ने के लिए पनिश करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के प्रिजनर्स एक्सचेंज वाले ऑर्डर के बाद एल चैपो जेल से भागने को बेचैन रहने लगा। वो अमेरिका के हाथों नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने भागने के लिए जेल के गार्ड्स, ऑफिशियल्स और जेल के वार्डन समेत 70 से ज्यादा लोगों को $2.5 million देकर अपनी साइड कर लिया। इस पूरे काम में उसे एक दिन का भी समय नहीं लगा और 19 जनवरी 2001 यानी कोर्ट ऑर्डर के अगले दिन ही उसने भागने का फैसला कर लिया। उस दिन उसकी इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर्ड सेल को खुला छोड़कर अंदर के सभी सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर दिया गया। इसके बाद एल चैपो बिना किसी मशक्कत के अपनी सेल से बाहर निकला और धुलने के लिए जाने वाले कपड़ों की एक लॉन्ड्री कार्ट में छिपकर बैठ गया। वहां से एक गार्ड लॉन्ड्री कार्ट को प्रिजन के फ्रंट गेट तक लाया, जहां से एल चैपो को एक गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। हालांकि एक थ्योरी के हिसाब से वो पुलिस की ड्रेस पहनकर सिंपली वॉक करके जेल से बाहर आया था। इस पूरे एस्केप में उसकी सबसे ज्यादा मदद उसके दोस्त और जेल के एक्स डेप्यूटी डमासो लोपेज न्यूनेज ने की थी, जो आगे चलकर उसके ड्रग के कारोबार का एक अहम चेहरा बनने वाला था। एल चैपो जैसे क्रिमिनल का जेल से इतनी आसानी से भाग जाना मेक्सिकन गवर्नमेंट के लिए बेहद शर्मिंदगी भरा था। गवर्नमेंट ने कार्रवाई करते हुए इस एस्केप में इन्वॉल्व सभी गार्ड्स और यहां तक कि वार्डन को अरेस्ट कर जेल में डाला। वही जेल से भागने के बाद एल चैपो अपने अड्डे पर आजाद जिंदगी जीने लगा। वो पुलिस और सरकार के डर से छिपकर बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने सिनालोआ कार्टेल को और भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उसने देश विदेश के अन्य माफियाओं के साथ मीटिंग्स कर उन्हें अपने साथ मिला लिया और उसका कारोबार अब और भी स्पीड से ग्रो करने लगा। वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इतना बड़ा मास्टर बन चुका था कि एक तरफ वो इस कारोबार में अपने राइवल से 4 कदम आगे था, तो वही दूसरी ओर गवर्नमेंट अथॉरिटीज की पकड़ से भी कोसों दूर था। इसके अलावा उसकी लग्जरी लाइफ भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। उसने एक के बाद एक 4 शादियां की, जिनसे उसे करीब 15 बच्चे हुए। 4 बीवियों के अलावा उसके मल्टीपल अफेयर्स भी थे, साथ ही वो और भी कई अय्याश कामों में लिप्त था।
इसके अलावा उसने लोकल पब्लिक में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनवाकर सोशल वेलफेयर के भी काम किए, जिससे बहुत से लोगों के बीच उसकी पर्सनालिटी रॉबिन हुड की बन गई। वो दिखाने के लिए चाहे जो भी करता, लेकिन उसका काम और पैसा लाखों लोगों की बर्बादी और हजारों लोगों के खून से सना हुआ था। उसके कार्टेल ने 10 सालों के अंदर ही करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके कार्टेल की इस क्रूरता का अंजाम ये हुआ कि उसके राइवल्स उसके रास्ते से हटने लगे और मेक्सिकन अथॉरिटीज के हौसले भी पस्त होने लगे। 2006 में जब मेक्सिकन आर्मी ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एग्रेसिव एक्शन लेते हुए छापेमारी की तो बहुत से स्मगलर्स और उनके ग्रुप्स पकड़े गए, लेकिन एल चैपो को आर्मी पकड़ना तो दूर, उसको छू तक नहीं पाई। एल चैपो के खुले घूमने से नतीजा ये हुआ कि उसका सिनालुआ कार्टेल पूरे मेक्सिको की ड्रग ट्रेड का 40-60% हिस्सा कंट्रोल कर हर साल $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने लगा। एल चैपो लीडिंग ड्रग ट्रैफिकर बन चुका था और 2009 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में 701 नंबर पर था। उसकी नेटवर्थ उस समय $1 बिलियन से भी ज्यादा एस्टिमेट की गई थी। उसकी इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में ड्रग स्मगल करके होता था, इसलिए अमेरिका उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अपने देश के अंदर इस बढ़ती ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अमेरिका एल चैपो को पकड़वा कर अमेरिकन प्रिजन में कैद करके रखना चाहता था। इसी कोशिश में अमेरिका ने उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करते हुए उसे पकड़ने से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट लीड देने के लिए $5 मिलियन का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही अमेरिकन एजेंसीज ने मेक्सिकन गवर्नमेंट को फंडिंग और हर संभव मदद भी दी ताकि एल चैपो को पकड़ा जा सके। लेकिन इतनी सब तैयारियों के बीच भी एल चैपो जेल से भागने के बाद 13 साल तक फरार रहा। मिलिट्री उसे जब पकड़ने आती उसे पहले ही खबर लग जाती और वो भाग निकलता, लेकिन इस भागदौड़ में मिलिट्री ने उसके कई मेंबर्स और बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट कर लिया था। उन्हीं में से एक बॉडीगार्ड ने मिलिट्री को एक बड़ी लीड देते हुए खुलासा किया कि एल चैपो जल्द ही अपनी एक एक्स वाइफ से मिलने अपने एक सेफ हाउस जाएगा। इस दौरान यूएस की मदद से मेक्सिकन अथॉरिटीज ने एल चैपो के खास एसोसिएट्स का फोन भी ट्रैक कर लिया था, जिससे उसकी हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा था। 16 फरवरी 2014 को एल चैपो अपनी एक्स वाइफ से मिलने एक सेफ हाउस गया। वहां उसने किसी को कॉल करने के लिए जैसे ही अपने एक एसोसिएट का फोन ऑन किया, अथॉरिटीज को तुरंत उसके वहां होने की खबर लग गई। मेक्सिकन मिलिट्री ने कुछ ही देर में वहां धावा बोल दिया, लेकिन उस घर का स्टील गेट इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने में ही मिलिट्री को काफी समय लग गया। मिलिट्री जब अंदर गई तब तक देर हो चुकी थी और एल चैपो बाथटब के नीचे बनी एक खुफिया टनल से भाग चुका था, लेकिन उसका इस तरह बार बार भाग कर बच निकलना ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। वो इस बार सेफ हाउस से भागकर माजतलान गया था, जहां यूएस एजेंट्स ने मेक्सिकन मरीन्स के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए बेस सेटअप कर लिया था। अथॉरिटीज को उसकी लोकेशन का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 5 दिन बाद ही 22 फरवरी 2014 को एक होटल के 4th फ्लोर के एक कमरे पर धावा बोला गया, जिसके अंदर एल चैपो छिपकर बैठा हुआ था। इस बार उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला और मेक्सिकन मरीन्स ने उसे फौरन अरेस्ट कर लिया। एल चैपो को पकड़कर इस बार मेक्सिको की सबसे सिक्योर जेल एल्टीप्लानो में डाला गया। मेक्सिको सिटी से 55 माइल्स वेस्ट में मौजूद इस जेल की सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि यहां से एक भी कैदी भागने की हिमाकत नहीं कर सका था। जेल चारों तरफ से कंक्रीट की दीवार और कंटीले तारों की फेंस से घिरी हुई थी और अंदर जगह जगह टावर्स मौजूद थे जिन पर 2400 घंटे गार्ड्स तैनात रहते। जेल के एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ था और कई किलोमीटर्स तक मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बंद कर रखी थी। इसके अलावा जेल में 750 कैमरास द्वारा 2400 घंटे कैदियों पर निगरानी रखी जाती। कुछ खास गार्ड्स को केवल कैमरों से मिल रही फीड को मॉनिटर करने के लिए रखा हुआ था। इस तरह इस पुख्ता जेल से कोई कैदी भागना तो दूर, भागने की प्लानिंग भी नहीं कर सकता था। इस जेल की इसी मजबूती के कारण एल चैपो को इस जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जहां उस पर हर एक सेकंड नजर रखी जाती। एल चैपो के अल्टीप्लानो में कैद होने से पब्लिक और मेक्सिकन गवर्नमेंट तो निश्चिंत हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका को अभी भी डर सता रहा था। अमेरिका को पता था कि एल चैपो के जेल में होने से भी ना तो उसका कारोबार रुकने वाला था और ना ही अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई बंद होने वाली थी। इसके अलावा अमेरिका को डर था कि वो कहीं फिर से जेल तोड़कर ना भाग जाए, इसलिए अमेरिका ने मेक्सिको की गवर्नमेंट से एल चैपो को उसे सौंप देने को कहा, लेकिन मेक्सिकन अथॉरिटीज ने ऐसा करने से मना कर दिया। मेक्सिकन प्रेसिडेंट एनरिके पेना नियतो ने तो यहां तक कहा कि मेक्सिको अपने कैदियों को संभालने के लिए केपेबल है और एल चैपो पिछली बार की तरह जेल से नहीं भाग सकेगा।
लेकिन मेक्सिको के प्रेसिडेंट को उस वक्त इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर उन्हें उनके ये शब्द भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि जेल में मौजूद शातिर एल चैपो की भागने की तैयारी उस दिन से ही शुरू हो गई थी जिस दिन उसे अल्टीप्लानो में लाया गया था। उसने कुछ ही दिनों में मेक्सिको के इस मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से भागने का प्लान बनाकर अपनी सबसे खास बीवी एमा कोरोनेल को बता दिया, जो अक्सर उससे जेल में मिलने आया करती थी। उसकी ये बीवी एमा एल चैपो से 30 साल से ज्यादा छोटी थी। इतना एज गैप होने के बाद भी उसकी एल चैपो से अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी और वो उसके क्राइम्स में बराबर इन्वॉल्व रहती थी। यही वजह थी कि एल चैपो ने इस जेल से खुद को निकालने की जिम्मेदारी एमा को सौंपी, जिसने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने साथ एल चैपो के 4 बेटों और उसके पहले जेल के एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर डमासो लोपेज न्यूनेस को शामिल कर लिया। डमासो लोपेज तब से ही बेरोजगार हो गया था जब से उसे करप्शन के चलते जेल के डेप्यूटी डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया था। काम की तलाश ने उसे एल चैपो के कार्टेल का हिस्सा बना दिया था। एल चैपो को जेल से भगाने के लिए जमीन में नीचे एक बड़ी टनल खोदने का प्लान बना, जिसे सीधा उसकी सेल के शावर एरिया से कनेक्ट करना था। दरअसल कैदियों की सेल में केवल एक छोटा सा शावर एरिया ही ऐसा था जिसे प्राइवेसी के कारण सीसीटीवी की रेंज से दूर रखा गया था। ये एक ब्लाइंड स्पॉट था जहां के विजुअल कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता था, इसलिए टनल को शावर एरिया से जोड़ने का प्लान था। टनल एग्जैक्ट उसी सेल के अंदर खुले, इसके लिए एमा ने उसे विजिटिंग आवर्स में मिलकर एक वॉच गिफ्ट की जिसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। प्रिजन अथॉरिटीज ने उसे नॉर्मल वॉच समझकर नजरअंदाज कर दिया था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जहां अब एक तरफ एल चैपो जेल के अंदर से भागने की राह देख रहा था, तो वही दूसरी ओर जेल के बाहर एस्केप प्लान को अंजाम देने के लिए उसके ग्रुप ने काम शुरू कर दिया। जेल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक जमीन खरीदी गई, जहां एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि दूर से देखने पर वो जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट लगे। वहां से जमीन में कई फीट नीचे टनल खोदने का काम शुरू हुआ, जिसमें कई वर्कर्स द्वारा टर्न बाय टर्न दिन रात काम किया जाता। दिन, हफ्तों और महीनों तक सुरंग बनने का काम चलता रहा, लेकिन प्रिजन अथॉरिटीज को कानो कान खबर तक नहीं लगी। करीब एक साल में एल चैपो की गैंग ने करीब 350 ट्रक मिट्टी खाली कर 1.5 किलोमीटर लंबी और करीब 1.7 मीटर ऊंची टनल बनाकर तैयार कर दी, जिसमें लैंप्स और वेंटिलेशन पाइप्स लगाकर हवा और बिजली का भी पूरा बंदोबस्त था। उसके अलावा वहां एक मोटरसाइकिल का भी इंतजाम किया गया ताकि एल चैपो के लिए टनल को पार करना आसान हो सके। अब उसे अल्टीप्लानो जेल में आए हुए करीब 1.5 साल हो चुका था। गवर्नमेंट यही मानकर बैठी थी कि वो यूं ही हमेशा मेक्सिको की सबसे मजबूत सलाखों के पीछे कैद रहेगा, लेकिन 11 जुलाई 2015 का दिन इस जेल की सिक्योरिटी और मेक्सिकन गवर्नमेंट की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला था। इस दिन एल चैपो सबकी आंखों में धूल झोंक कर एक बार फिर फरार होने वाला था। 11 जुलाई को जब शाम का वक्त हुआ तो एल चैपो अपनी सेल में चक्कर काटने लगा। वो बार बार शावर एरिया की तरफ जाता और फिर वापस आकर टहलने लगता। वो इस तरह शावर एरिया में नीचे खोदी जा चुकी टनल से भागने के सिग्नल का इंतजार कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी के जरिए नजर रखने वाले गार्ड्स उस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट होने से इस पूरे मामले से बिल्कुल अनजान थे। बार बार शावर एरिया की तरफ जाने के क्रम में एल चैपो रात करीब 9 बजे फिर से शावर एरिया की तरफ गया, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आया। जब वो शावर एरिया से 25 मिनट बाद भी बाहर नहीं आया तो गार्ड्स को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। उन्होंने उसकी सेल खोलकर जैसे ही शावर एरिया की तरफ जाकर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस छोटे से एरिया में 20 बाय 20 इंच का एक होल था, जिसके कई फुट नीचे सुरंग बनाई गई थी और वहां नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। सीढ़ी से नीचे उतरकर गार्ड्स टनल में आगे बढ़ते रहे, जो करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर खत्म हुई जिसे एल चैपो की गैंग ने खरीदा था। अल्टीप्लानो की चारों ओर लगी फेंस, वहां तैनात हजारों गार्ड्स और 2400 घंटे निगरानी रखने वाले सैकड़ों कैमरास की सिक्योरिटी, सब कुछ रखा का रखा रह गया। एल चैपो फिर से सभी को चकमा देकर फरार हो चुका था। उसका दोबारा जेल से भागना मेक्सिकन गवर्नमेंट और खासकर प्रेसिडेंट पेना नियतो के लिए बेहद ही शर्मिंदगी की बात थी। जहां देश विदेश में बदनामी हो रही थी, वहीं अमेरिका मेक्सिकन अथॉरिटीज को इसके लिए फटकार रहा था। इस घटना के बाद मेक्सिकन गवर्नमेंट ने फिर से हरकत में आकर अल्टीप्लानो के कई सस्पेक्टेड गार्ड्स पर कड़ी कार्रवाई की, क्योंकि इस एस्केप में भी
भी कहीं ना कहीं प्रिजन अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद गवर्नमेंट ने उसको फिर से पकड़ने के लिए देश के बहुत से हिस्सों को लॉकडाउन कर जगह जगह आर्मी को तैनात कर दिया। साथ ही उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले के लिए 60 मिलियन मेक्सिकन पेसोस का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी महीनों तक एल चैपो का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। उसे पकड़ने के लिए मेक्सिकन मिलिट्री के साथ दुनिया भर की टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जहां एल चैपो को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर करके दुनिया की टॉप एजेंसीज ढूंढने में लगी हुई थी, वही अक्टूबर 2015 में वो हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन को इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें वो बड़े ताव से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बता रहा था। लेकिन इस माफिया की किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी, जिससे उसके आजाद घूमने के दिन जल्द ही खत्म होने वाले थे। मेक्सिकन मरीन्स, आर्मी और फेडरल पुलिस समेत मेक्सिको की सभी फोर्सेस उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही थी। इसी कोशिश में 8 जनवरी 2016 को उन्हें एक पुख्ता लीड मिली, जिसे फॉलो करते हुए नदन सिनालुआ के लॉस मोचिस शहर में एक घर पर रेड की गई। उस घर के अंदर एल चैपो और उसके कई साथी मौजूद थे। अथॉरिटीज को रोकने के लिए उसके साथ फायरिंग करने लगे, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस शूटआउट में एल चैपो के 5 लोग मारे गए, लेकिन इसके चलते एल चैपो को कुछ टाइम मिल गया, जिस वजह से वो वहां से भी एक सीक्रेट टनल से होकर भाग निकला। उसने टनल से बाहर निकलकर एक कार को बंदूक की नोक पर रोका और वहां से फरार होने लगा। लेकिन इस दिन किस्मत एल चैपो की साइड नहीं थी। वो कार से लॉस मोचिस के साउथ में करीब 20 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया था कि तभी उसे चारों ओर से मिलिट्री की लहराती बंदूकों ने घेर लिया। उसने उन्हें भी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन ये करप्ट सोल्जर्स नहीं थे जो बिक जाते। उन्होंने उसे फौरन दबोच कर कस्टडी में ले लिया। उसे कुछ दिन मेक्सिको की उसी एल्टिप्लानो जेल में रखा गया, जहां से वो पहले सुरंग बनाकर भागा था। इस बार भी उसकी गैंग उसे सुरंग खोद कर भगाना चाहती थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इस बार मेक्सिकन अथॉरिटी एल चैपो को अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गई। पकड़े जाने के कुछ वक्त बाद 2017 में एल चैपो को अमेरिका ले आया गया। जिस अमेरिका के हाथों पकड़े जाने से एल चैपो घबराता था, वो अब उसी के कब्जे में था। उस पर न्यूयॉर्क की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई महीनों तक ट्रायल चला। उसे कोर्ट तक लाने ले जाने में सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाती कि जब उसे रोड से गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता और पूरे सफर के दौरान ऊपर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती। इतने मजबूत इंतजाम करके अमेरिका उसे भागने का 1% भी मौका नहीं देना चाहता था। अमेरिकन अथॉरिटीज के इंतजार की घड़ी जल्द ही समाप्त हो गई और 2019 में फेडरल कोर्ट ने एल चैपो को ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर कॉन्स्पिरेसी जैसे 10 क्रिमिनल केसेस में दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे उम्र भर की सजा सुनाते हुए $12 बिलियन का जुर्माना भरने का आदेश दिया। तब से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया और टनल किंग एल चैपो यूएस के सुपर मैक्स प्रिजन में जिंदगी भर की सजा काट रहा है। हालांकि यूएस अथॉरिटीज को आए दिन कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती रहती है, जिसमें एल चैपो के फिर से भागने का शक जताया जाता है। इस तरह अमेरिकन अथॉरिटी को भी हर दम एक डर सा लगा रहता है कि ना जाने ये शातिर मुजरिम कब, कहां से और कैसे भाग निकले।